नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवाद हम पिछले दो महीनों से सुन रहे हैं और हसीन जहां ने कई तरह के जो इल्ज़ाम लगाए वो भी हमने आपको बताए। लेकिन अब एक जो ताज़ा अपडेट आ रही है वो शमी के लिए अच्छी खबर आ रही है। दरअसल मोहम्मद शमी को वर्ल्ड इलेवन की टीम में शामिल किया गया है। दरअसल 31 मई को इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान यानी कि क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले मैदान पर ये मैच होना है और इस मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये मैच होगा। पिछले साल जो बर्बादी हुई थी, तूफान जो आया था, वहाँ के जो ग्राउंड्स के लिए जो भी चंदा इकट्ठा करना है उस चंदे के लिए ये मैच होना है और वर्ल्ड इलेवन में मोहम्मद शमी को शामिल कर लिया गया है। दरअसल मोहम्मद शमी ने रिप्लेस किया है हार्दिक पांड्या को। जी हाँ, हार्दिक पांड्या जो कि टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हैं, स्टार ऑलराउंडर हैं, बीमार हैं और बीमारी की वजह से मोहम्मद शमी को इस टीम में मौका दिया गया है। यानी कि अब बहुत जल्द मोहम्मद शमी जो है इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे, शायद आज ही रवाना हो, क्योंकि जिस तरह से टीम को ज़रूरत थी इनकी कि भाई मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यही थी कि भाई मोहम्मद शमी क्रिकेट में वापस आएँ, क्योंकि दिल्ली ने इनको मौका नहीं दिया। और जब जिस तरह से मानसिक रूप से परेशान थे हसीन जहां के आरोप लगने के बाद, तो उस तरह साफ दिख रहा है कि भाई मोहम्मद शमी को डेस्परेटली ज़रूरत थी कि भाई कोई ना कोई टीम उन्हें मौका दे और टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मसले पर हसीन जहां का क्या बयान आता है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि विश्व एकादश की टीम में शामिल हुए हैं, बीसीसीआई ने भी खेलने की मंजूरी तो दे ही दी है। यानी कि कुल मिलाकर मोहम्मद शमी अब इंग्लैंड जाकर मैच खेलेंगे। अगर यहां पर मोहम्मद शमी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शमी को जो है वो इंडियन टीम में भी जगह मिल सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है, एक ही टेस्ट मैच है, हो सकता है कि उस मैच में शमी को खिलाया जाए। लेकिन पिछले दो महीने से जो विवाद चल रहा है, कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो वाकई में पूछे जाने चाहिए। हसीन जहां ने जब मोहम्मद शमी पर दहेज उत्पीड़न, अवैध संबंध, मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए, मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के बाद बीसीसीआई ने उनकी जांच की, एसीयू का गठन किया और मैच फिक्सिंग के मामले में मोहम्मद शमी को दोषी नहीं पाया गया और वहां पर उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद हसीन जहां ने एफआईआर करवाई मोहम्मद शमी के भाई हसीब अहमद पर, मोहम्मद शमी पर दुष्कर्म की एफआईआर करवाई थी कोलकाता पुलिस के पास जाकर, और कोलकाता पुलिस ने साफ तौर पर एफआईआर लिखी और उसके बाद मोहम्मद शमी को आईपीएल के दौरान पूछताछ के लिए बुलाया, करीब 3 घंटे पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकाला, साफ तौर पर पुलिस ने कहा कि भाई मोहम्मद शमी हमें पूरी तरह से जो है कोऑपरेट कर रहे हैं और शमी को अब हम जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। उसके बाद मसला थोड़ा सा और आगे बढ़ा और मोहम्मद शमी को फिर जो है टीम से ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो है बेहद ख़राब था दिल्ली की टीम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हसीन जहां ने जिस तरह के आरोप लगाए वो आरोप वाकई में बड़े संगीन थे। उसके बाद हाल ही में सहसपुर अमरोहा मोहम्मद शमी के घर पहुंची हसीन जहां, वहां उन्होंने देखा कि ताला लगा हुआ है शमी के घर पे और फिर उन्होंने ताला खुलवाने की डिमांड की। उनके साथ में उनके वकील थे जाकिर हुसैन साहब और उनकी कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारी थे, डिडौरी पुलिस के कुछ अधिकारी थे। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर हसीन जहां पूरी तरह से अपना हक मांगने आई थी, अपनी बच्ची का हक मांगने आई थी। उसके बाद बिरादरी बीच में आई, बिरादरी जो तुर्क बिरादरी वहाँ लगती है, उन्होंने पंचायत में फैसला लिया कि भाई मोहम्मद शमी और हसीन जहां को अपने मसले को सुलझाना होगा, क्योंकि अब बहुत छीछा लेदर जो है वो हो चुकी है। बिरादरी बीच में आए, उसके बाद संयुक्त रूप से ये फैसला हुआ कि भाई मोहम्मद शमी 14 मई को आएंगे और हसीन जहां से इस मसले पर बात करेंगे और दोनों के बीच जो भी बातचीत होगी, दोनों का जो भी फैसला आएगा वो पंचायत को मंजूर होगा, लेकिन ये मसला जो है वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी 14 मई को पहुंचे नहीं। उसके बाद क्योंकि 12 मई को वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गए थे, तो कई लोगों ने कहा कि भाई वो दरगाह में ही आराम कर रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं, टूट गए हैं और बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर शमी ने 14 मई को वहाँ पहुँचने की जहमत नहीं उठाई। हाल ही में अभी 2 या 3 दिन पहले वो मुरादाबाद पहुँचे थे और मुरादाबाद पहुंचकर उन्होंने अपने संबंधियों से भी मुलाकात की। लेकिन आप मुरादाबाद जा सकते हैं, आप अमरोहा नहीं गए, तो कई सवाल शमी पर भी उठे। उसके बाद मोहम्मद शमी का जो एक्सीडेंट हुआ था जब ये सब विवाद चल रहा था आईपीएल शुरू होने से पहले, तो उनको इस पोर्शन में चोट आई थी और इस पोर्शन में चोट आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें यही कहा था कि भाई आप जो है स्ट्रेस मत लीजिए, अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। शायद उस चोट का भी असर था कि मोहम्मद शमी का प्रदर्शन जो है वो ख़राब हुआ। लेकिन अब मौका पूरी तरह से शमी के पास है, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है।
इंग्लैंड टूर पर जाना है भारतीय टीम को। हालांकि टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है वनडे सीरीज के लिए, तो इंग्लैंड टूर पर तो वनडे टीम में तो नहीं रहेंगे मोहम्मद शमी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ 6 साल में कि शमी भारत के विदेशी दौरों पर उन्हें नहीं लिया गया है वनडे टीम में। हालांकि टेस्ट टीम का वो हिस्सा है, लेकिन उनको भी अब जो है वो अपने मसलों को सुलझाना होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोलकाता पुलिस ने शमी को क्लीन चिट दे दी है कि वो इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं? क्या मोहम्मद शमी की बीसीसीआई से बात हुई है? क्या बीसीसीआई को ये सब कुछ पता लग गया है कि भाई मोहम्मद शमी का निजी मसला जो है उतना बड़ा नहीं है, तो उन्हें बाहर भेजा जा सकता है? तो कई ऐसे सवाल हैं। क्या कोर्ट इस बात की जो है इजाज़त दे रही है कि भाई मोहम्मद शमी जा रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ जो है तथ्य हैं वो सामने रखने पड़ेंगे, तो ही आप आगे के लिए अपनी राह जो है वो तय कर सकते हैं। क्योंकि अगर जिस हिसाब से मोहम्मद शमी अगर इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पर वर्ल्ड 11 के लिए खेलते हैं, क्योंकि चयन हो गया है, खबर भी आ गई है, अगर खेलते हैं तो ये बात साफ है कि कुछ ना कुछ तथ्य ऐसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं असीन, जहाँ से रिलेटेड जो जहाँ पर मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी हो सके या मोहम्मद शमी को दोषी पाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शमी को भी अब आगे आना होगा और अपनी जो है सफाई देनी होगी, क्योंकि शमी ने साफ तौर पर ये कहा था कि भाई मैं मीडिया के सामने बात नहीं करूंगा। सवाल मीडिया भी उठाएगी, क्योंकि असीन जहां ने साफ तौर पर ये कहा था कि शमी के बाद फिक्सिंग मामले में उन्हें बचाया गया है, बीसीसीआई ने बचाया है, और शमी के साथ कई क्रिकेटर्स का नाम भी हो सकता है, इस तरह की बात असीन जहां ने कही थी। तो अब ये बात जो है ये सामने अब कब आएगी, कैसे आएगी, इस बात का फैसला बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन हाल ही में जब अमरोहा पहुंची थी हसीन जहां, तो वहां पर शमी के जो घर की जो पुलिस थी, जो उनके गांव में जो डिंडौरी पुलिस, अमरोहा पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने शमी के घर की छानबीन की, पूछा ये भी गया कि भाई आपने ताला क्यों नहीं खुलवाया? तो भाई उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शमी का जो घर है वो पुश्तैनी घर है, और पुश्तैनी घर पर हम जल्दी हाथ नहीं मार सकते। एसपी ऑफिस में भी शिकायत लगाई थी, फिर ये भी सुनने को आया कि भाई मोहम्मद शमी ने एसपी ऑफिस में एक मेल डाला है, उन्होंने कहा कि मैं हसीन जहां जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं उन्हें अपने घर में नहीं रख सकता, और मैं जो है उनके वो अगर वो अमरोहा में किसी भी होटल में रहेंगी मैं उसका खर्चा उठाऊंगा। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि भाई हसीन जहां जो है गाँव के प्रधान के यहाँ रुकी, और प्रधान से उनके अच्छे संबंध हैं, मोहम्मद शमी के भी अच्छे संबंध हैं, शायद इस वजह से रुकी हों। लेकिन उसके बाद जो फैसला आया, तो बिरादरी ने भी ये कहा जब मोहम्मद शमी नहीं पहुंचे 14 मई को, तो उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद शमी बिजी होंगे इस वजह से नहीं आ सकते हैं। हाल ही में फिर 2-3 दिन पहले बयान आया कि शमी ने कहा है कि भाई मैं ईद के बाद इस मसले पर बात करूंगा, ईद के बाद हसीन जहां और बेटी बेबो के लिए सोचूंगा, लेकिन फिलहाल जो है अभी सोचने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि कई कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद ये मसला जो है सुलझ जाए, दोनों आपस में बातचीत करें और इस मसले को सुलझा लें। लेकिन बिरादरी से भी रिलेटेड उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बिरादरी ने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया, बिरादरी का मैं सम्मान करता हूँ, और अगर कुछ ऐसा होगा या अगर मेरी गलती नहीं होगी तो मैं ज़रूर जो है बिरादरी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये भी बयान आया उनकी तरफ से। यानी कि जो भी अब फैसला आना है वो ईद के बाद आना है, लेकिन ईद के पहले क्या शमी अपना करियर बचा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और अगर बचा भी रहे हैं, हर क्रिकेटर अपना करियर बचाता है, क्योंकि 29 साल के हो गए हैं, 3 से 4 साल और खेलेंगे टीम इंडिया के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलर की जो है वो लाइफ ज़्यादा नहीं होती है क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोलकाता पुलिस की तरफ से उन्हें रजामंदी मिल गई है, क्या लाल बाजार कोर्ट ने उन्हें रजामंदी दे दी कि नहीं आप जाइए भाई खेलिए? क्योंकि अगर चार्जशीट दायर हो जाती एक बार, और या कोर्ट में क्योंकि मसला तो पहुंच ही गया है, अगर चार्जशीट दायर हो जाती तो मोहम्मद शमी को शायद इंग्लैंड दौरे के लिए मना कर दिया जाता, और ये कहा जाता है कि भाई आप देश से बाहर जो है नहीं जा सकते, पहले आप अपने ऊपर जो केस लगे हैं उन्हें आप पूरी तरह से जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते बाहर जाने की। बहुत सारे ऐसे सवाल आए जो शमी से रिलेटेड थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिन्होंने काफ़ी घुमाया। वहीं हसीन जहां से जब पूछा गया कि भाई आप वापस क्यों लौट आई, क्योंकि आप जब गई थी तो आप तो कह रही थी कि भाई मैं अपनी बच्ची का हक मांग लूंगी, मैं अपना हक मांग लूंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं अपने ससुराल को छोड़ के नहीं जाऊंगी, वगैरह वगैरह। हसीन जहां ने हसीब अहमद जो मोहम्मद शमी के बड़े भाई हैं उन पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद शमी सामने आए और वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भाई आप जो है इस मसले की जांच करवाइए, और मसले की जांच जो हुई और उसके बाद सभी लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हसीन जहां का जो एक विवाद था वो काफ़ी बढ़ चुका था, तो मोहम्मद शमी के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो यहां पर इस विवाद को सुलझाएं। दिल्ली की टीम से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, आईपीएल के शुरुआती खाली 4 मैच कराए गए और 4 मैच के बाद उन्हें जो है ड्रॉप कर दिया गया। गौतम गंभीर ने ज़्यादा ओवर भी नहीं कराए उनसे। फिर जेम्स होप्स का भी बयान आया कि भाई शमी को अपने निजी मसले सुलझाने चाहिए, क्योंकि वो परेशान है और उनका प्रदर्शन जो है वो बहुत ख़राब रहा है।
तो यही वजह थी कि शमी को ड्रॉप किया गया, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें मौका मिला है वर्ल्ड 11 के लिए। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले टाइम में और टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी शमी और हसीन जहां से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों के साथ। लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।